हेलो स्टूडेंट, एम्स नॉर्सेट, केजीएमयू, यूपीपीएससी, एनवीएस एंड अपकमिंग वैकेंसी ऑफ रेलवे, पांचों एग्ज़ाम में मदद करने के लिए हमारी मौजवी एनक्लेव बेस्ड जो सीरीज चल रही है उसमें आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284। केस वही है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्वेश्चन चल रहे हैं काफ़ी दिन से, तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस है। नर्व शुड टेक इंटू कंसिडरेशन दैट दिस क्लाइंट, यह क्लाइंट सफर फ्रॉम अ ग्रेट डील ऑफ एंजाइटी, रैपिडली लर्न बाई एक्सपीरियंस इफ पनिश्ड, इज जनरली अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन, हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड अदर्स। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, इसीलिए मैं मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ लें, ऑप्शन पढ़ लें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं। शुरू कर लें। पहले तो सबसे पहले वही केस है हमारा जो पीछे वाले क्वेश्चन में था, क्रिमिनलिटी वाला, समाज के खिलाफ वाला, एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला। दिस क्लाइंट एक तरीके से इस बीमारी का साइन एंड सिम्टम पूछ रहा है कि इन लोगों में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो दिस क्लाइंट सफ़र करते हैं ग्रेट डील ऑफ एंजाइटी से। अरे कहाँ, ये तो क्रिमिनल्स होते हैं, ये तो एडिक्शन रखते हैं, ये तो नशा करते हैं, इन्हें कोई एंजाइटी वेंजाइटी नहीं होती, तो ये सफ़र नहीं करते। अगर इसकी जगह उल्टा होता ना कुछ तो आंसर हो जाता, इनको एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होती। बहुत तेज़ी से सीखते हैं, रैपिडली लर्न करते हैं बाई एक्सपीरियंस, अगर इन्हें पनिशमेंट दिया जाए तो। अगर ऐसा होता कि इन्हें पनिशमेंट दिया जाए तो जेल में ये इतने क्रिमिनल जाते हैं और पाँच पाँच दस दस साल की सज़ा काटने के बाद आते हैं तो सुधर जाना चाहिए ना, पर सुधरते ही नहीं। ये तो जेल से बाहर निकलते हैं, दोबारा सुपारी ली और क्राइम कर दिया दोबारा, तो ये भी गलत सेंटेंस है। ये सीखते ही तो नहीं है रैपिडली, तो ये भी हो गया गलत। हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन लोगों के अंदर बहुत सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अरे ये तो सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रख पाते अपने ऊपर, ये तो जजमेंट ही नहीं ले पाते, इनके तो रिलेशन ही नहीं बन पाते, ये तो रिलेशनशिप को निभा ही नहीं पाते, ये तो परिवार में ही इनके डिस्प्यूट चलता है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं निभा सकते, ये भी हो गया गलत। अब एक बार सही आंसर समझ लो। जनरली अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन, ये बड़े इम्पल्सिव होते हैं। क्या होते हैं? इम्पल्सिव। और जब इन्हें कोई काम करने की इम्पल्स आती है तो ये उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, ये पोस्टपोन नहीं कर पाते, ये टाल नहीं पाते और ये उसको अटैम्प्ट कर देते हैं, उस क्राइम को कर देते हैं। राइट आंसर इज जनरली अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन ड्यू टू इम्पल्सिविटी, ड्यू टू लैक ऑफ जजमेंट, ड्यू टू लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। द राइट आंसर इज सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।